द्वारा महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में कमी के दावों के बावजूद मानवता को शर्मसार और हैवानियत की हद पार करने वाले अपराध लगातार जारी हैं। हद तो यह हो गई है कि घर हो या बाहर महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। जहां एक तरफ सरकार महिला सशक्तिकरण अभियान चलाती है, वहीं महिलाओं का उत्पीड़न भी लगातार जारी है। आपको बता दें कि अब महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। ताजा मामला जनपद रायबरेली से सामने आया है, जहां एक महिला घर पर अकेली रहती है। उसका पति किसी भट्ठे पर मजदूरी करता है। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि उसे अकेला देखकर गांव के ही कुछ शराब के नशे में दबंग व्यक्ति उसके घर पहुंच गए और उससे दुष्कर्म करने की कोशिश की। लिहाजा जब पीड़िता ने खीरो थाने में शिकायत दर्ज कराई तो दबंग घनश्याम तिवारी पुत्र रामकरण तिवारी निवासी बारी गांव थाना खीरो ने महिला को जलील करवाया और उसके साथ मारपीट की। जब महिला ने थाने में तहरीर दी तो इंस्पेक्टर ने कहा कि पहले मैं घनश्याम तिवारी से पूछ लूंगा, तब तुम्हारी रिपोर्ट लिखूंगा। महिला कई दिनों तक थाने के चक्कर लगाती रही, लेकिन कोई भी कार्यवाही नहीं हुई। परेशान होकर महिला मुख्यमंत्री आवास पहुंची, जहां महिला की शिकायत को लेकर आश्वासन दिया गया है। महिला को आश्वासन दिया गया है कि शीघ्र ही कार्यवाही की जाएगी। एक तरफ जहां केंद्र और प्रदेश सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर तमाम दावे करती है, तमाम तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं, ऐसे में एक महिला न्याय के लिए दर दर भटक रही है। यहां तक कि महिला आज मुख्यमंत्री आवास भी पहुंची और शिकायत दर्ज कराई है। बड़ा सवाल उठता है कि क्या महिला को न्याय मिल पाएगा या फिर दबंग यूं ही महिला को परेशान करते रहेंगे। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। हमारे घर हाथ को इज्जत लोटो दे, सीने में हाथ भर दिया है तो भी हम हाथ हटा दिया है तो बोले कि हमें पर दबाव रख रहे हैं लोग कि ये चर्चा मचाओगे तुमको हम मारेंगे। घनश्याम तिवारी कौन है? घनश्याम तिवारी जो बड़ी गाँव के हैं। अच्छा। और वही लोगन के जो हैं ये लोगन की दारू की अपीजा पठा दे हरिराम पहाड़ हरिराम। अभी तक आप लखनऊ आई हो, आपने किसको किसको एप्लीकेशन दी है और क्या कार्रवाई, क्या आश्वासन मिला आपको? सुनवाई हमारी साथ कोई नहीं हो रही है, बताओ हम क्या करें। बाबा जी के यहाँ आई थी, बाबा जी के यहाँ तुम्हारा एप्लीकेशन बाबा जी मिले? नहीं मिले हैं, हम एप्लीकेशन दे आए नहीं। अरे तुम्हारे पूरी नियत से आते थे, किस लिए आते थे ये तो बात बोलो ना। तुम्हारे आते थे तुम्हारे यहाँ बताओ ना, खुल के आते हम हरिराम बहादुर ने पठाते, हमारा आदमी ही है पर भाई नहीं है, है? तो आते हैं तो बोलते कि नहीं नहीं हम इज्जत लूटने आते हैं, क्योंकि लोगों में पूरी चलता हो रही है ना, तब भी हमें घर पर पठा रहे हैं ना। थाने गई थी? हाँ हम थाने गए, हमारी सुनवाई नहीं। कौन से थाने गई थी? थाना कौन सा है आपका? हीरो थाना। हीरो थाना डिस्ट्रिक्ट रायबरेली। हाँ।